हर अखबारों ने उनका विज्ञापन खाया, हर अखबारों ने झूठ का विज्ञापन खाया। व्यक्ति बैठा है, उसको छोटा दिखाया जा सके विजुअल में। पूरी जो सूचना तंत्र है, आपको कई बार लगता होगा, कई लोग कहते नहीं यार जमाना बदल गया है, बहुत सारे चैनल आ गए, बहुत सारे चैनल आ गए हैं, पर उन चैनलों पर सूचनाएं क्या है? उन पर कोई सूचना नहीं है। आप देखें, 3-4 थीम एंड थ्योरी के आसपास डिबेट चल रहे हैं सारे चीज। वो परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं, और वो परसेप्शन बनाने के लिए भी रिपोर्टर के द्वारा या उस चैनल के द्वारा लाई गई सूचनाएं नहीं है। उन सूचनाओं का एक खास तरीके से हिंदूकरण किया गया है, ताकि उसकी कवर में, उसकी खाल में छिपकर जो सामने तार्किक बात करने वाला व्यक्ति बैठा है, उसको छोटा दिखाया जा सके विजुअल में। और इन पूरे सूचनाओं की विविधता जब समाप्त हो जाती है, आपको लगता है कि चूंकि आपके पास रिमोट है तो आप सब जानते हैं। दरअसल अब रिमोट यूजलेस है, आप कोई भी चैनल बदल लीजिए, आपको वही सूचना मिलेगी, वही मुद्दा मिलेगा, वही भाव मिलेगा, अब आप उससे बचकर नहीं निकल सकते। ये एक इंफॉर्मेशन लेस स्थिति है, सूचना विहीनता की स्थिति है। अगर आप उससे असहमति रखते हैं, जरूर रखिए, घर जाकर एक हफ्ता चैनल देख लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि आप इन चैनलों में क्या देख रहे हैं। इसमें किसी में भी सूचना नहीं है, प्रोपेगेंडा है। वो भी तरीके से कर सकते थे, पर निर्लज्जता से करने का ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमने इन 20-25 सालों में यूनिवर्सिटी और पढ़ाई का सिस्टम खराब किया है। लोगों की समझने की जो पूरी जो क्षमता है संदर्भ के साथ, उनके अवसरों को हमने सीमित किया है, तो इसकी वजह से ये चल रहा है, ये बिक रहा है। एक पूरे वोटर जमात को, जो दर्शकों का जो जमात था, उसको रिप्लेस करके समर्थकों को दर्शकों के बीच लाया गया ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए, और उनको जो दर्शक थे उनको समर्थक में बदला गया, और जो समर्थक थे उन्हें हिंदू में बदला गया। जहां उनके लिए बहुत कॉमन बात है कि मेरा एक साधारण सा सवाल पूछना उनको देशद्रोह का सवाल लगता है। और इसी जनवरी से लेकर चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले भारत के प्रधानमंत्री 100 के करीब सभाएं करते हैं। किसी अखबार में यह हिम्मत नहीं है ये पूछ दे कि इन सभाओं का खर्चा कितना है। किसी अखबार में हिम्मत नहीं है कि जो विज्ञापन मिला है कि इन इन कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करने आ रहे हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना भी है या नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो गोदाम का उद्घाटन करने गए और गाजियाबाद आए तो ऐसे दो स्कूलों का उद्घाटन कर गया जब सिर्फ इमारत बनी हुई है, उसमें ना टीचर की नियुक्ति है ना उसमें छात्रों ने अभी तक एडमिशन लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री बटन दबाकर उद्घाटन करके चले जाते हैं और पन्ना भर भर के दिया जाता है। हालत यह है कि वो जब काशी विश्वनाथ गए तो वहां के उनके कार्यक्रम के विज्ञापन में यह लिखा हुआ था कि पंखा और कूलर की व्यवस्था की जाएगी। क्या भारत के प्रधानमंत्री की यह हालत हो गई कि कहां बेंच किसने रखा उस पर भी अपना नाम लिखवाएंगे? पंखा और कूलर तक का विज्ञापन छपा, उसमें लिखा है कि इस मंदिर में विशेष रूप से इस कॉरिडोर में पंखा कूलर और छावनी की व्यवस्था की जाएगी। तो सूचना विहीनता की स्थिति में आप पाठक और दर्शक की स्थिति में पहुंच गए हैं कि यह सब अब आपको नॉर्मल लगता है। एक बड़ी योजना के बहाने पुराने पुराने योजनाओं को जमा करके डेटा बड़ा किया गया, 32,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करें। तो अखबार जो है और जो न्यूज चैनल है, इन दोनों को अलग करके अब देखने से कोई फायदा नहीं। इन दोनों का यही काम है कि प्रधानमंत्री के झूठ को किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया और आपको इस तरह से पेश किया जाए नरोवा कुंज की तरह कि वो खबर लगे और खबर भी ना। हर अखबारों ने उनका विज्ञापन खाया, हर अखबारों ने झूठ का विज्ञापन खाया।